दोस्तों बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक की। एंड सेल का जो स्टॉक रहा है, मैं पिछले दिनों भी काफी दबाव में था, तब भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर होल्ड करके चलेंगे तो बहुत अच्छे खासा एक रैली आने वाली है बजट के बाद। और आज बजट का दिन है, आप देखिए कि 10% से ज्यादा का एक अपमूव आया है, एक बुलिश जोन इसमें आता हुआ दिखाई देता है अभी। और 63 रुपए 60 पैसे के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड करा है, वो स्टॉक जो पिछले दिनों इतना ज्यादा दबाव में था कि 58 रुपए 55 रुपए तक का लोग टारगेट दे रहे थे और लोग बेचने के लिए बोल रहे थे। आप CNBC आवाज पर भी देखेंगे तो वहां पर भी कई बार उन लोगों ने बेचने के लिए बोला इस स्टॉक को, और वहां उसके बावजूद भी मैंने बोला था कि होल्ड करके रखना है, और आपने होल्ड करा है। जिन लोगों ने, उनको आज देखिए 10% का मुनाफा एक दिन में हुआ है। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो किया था, मैंने बोला था कि आपको 1 फरवरी को अच्छा खासा मूव आएगा, और देखिए अब वही हुआ, 10% से ज्यादा की एक रैली आती हुई दिखाई दी है इसमें। आगे की क्या टारगेट्स होने चाहिए, आगे कैसा इसमें रहने वाला है उसकी बात करेंगे, और क्यों हुआ है इसकी भी बात करेंगे। आज देखिए बजट आया और डिफेंस का बजट बढ़ाया गया वहां पे, और डिफेंस के बजट में जो एक पैसा आया है उसकी वजह से आप देखिए डिफेंस से डायरेक्टली लिंक है सेल का। मैंने कई खबरें दिखाई थी आपको उस दिन भी, जिस वीडियो में मैंने इससे 1-2 दिन पहले जब मैंने वीडियो किया था, तो वहां पर भी मैंने बताया था कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे डिफेंस सेक्टर से, और इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो काफी ज्यादा है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, भेल को, BEL को, इन कंपनीज को डायरेक्ट एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। और वही हुआ, आप देखिए कि आज 10% से ज्यादा की रैली इसमें भी दिखाई दी है। और एक दिन का अगर हम चार्ट देखें तो आप क्या गजब का चार्ट दिखाई देता है, जिस तरह से निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट को अनवील किया है उसी हिसाब से हमारा स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और 64 रुपए तक का एक हाई लगाया आज आज इसने। तो अब यहाँ पर एक ग्रीन जोन बनता हुआ, एक खुशी की लहर आती हुई दिखाई देती है। अब लगता है कि स्टॉक में जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनका पैसा भी वसूल होगा और आने वाले समय में प्रॉफिट भी होगा। हम पहले से कहते आ रहे थे, अब आपको भी यकीन होगा कि जो हमने कहा था वो धीरे धीरे सच होता आ रहा है। बट आगे की क्या लेवल्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं आगे आने वाले दिनों में, उनकी बात करेंगे हम। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, द बेल आइकन, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बात करें हम NSE की वेबसाइट पर चलते हैं। देखिए आप निफ्टी 50 में 644 पॉइंट्स का एक ग्रोथ दिखाई देता है, लगभग 5% का ग्रोथ निफ्टी 50 में है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 3% की ग्रोथ है। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो 5% के आसपास की ग्रोथ, निफ्टी बैंक को 8.5% की ग्रोथ के साथ 33,089 पर बंद हुआ। आप देखिए कि इतनी बड़ी ग्रोथ कब आई थी पिछले दिनों, है ना। आज बजट जो था हमारा बाजार के सपोर्ट में था, और बाजार बजट दोनों ने मिलकर इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है। आपने अगर बड़ी रकम लगाई होगी तो आप जानते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके मेल्स आए और वो काफी अच्छा खासा मुनाफा इसमें कमा चुके हैं ऑलरेडी। आप बात करें कि सिर्फ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आप टाटा मोटर्स को देखिए, वहां पे अच्छी खासी रैली आई। इवन IDBI बैंक में भी 12% की रैली आई है आज, ठीक है। और PNB में कितनी अच्छी खासी रैली आई है आप देखिए। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, दोनों ने ही बेहतरीन रैली दिखाई है। एंड अगर हम बात करें मेटल्स की तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ठीक ठाक अच्छी खासी 10% की रैली दिखाई है। मेटल्स एंड माइनिंग में आता है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आई है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स हमारा 5% के आसपास हमारा अप रहा है, 2300 पॉइंट्स के आसपास हमारा इसने अपमूव दिखाया है। पिछले दिनों जब बाजार दबाव में था तब भी मैंने बोला था कि 1 फरवरी तक रुकना होगा आपको, उसके बाद अच्छा खासा अपमूव आएगा, और वही हुआ। यहाँ पर देखिए 48,600 के लेवल पे हमारा सेंसेक्स आकर बंद हुआ है। 50,000 टच किया था, उसके बाद गिरावट का माहौल था, वहां से अब जाकर 48,600 पे जो बंद हुआ है ये, तो यहाँ से लगता है कि बुलिश जोन, बुल्स दोबारा से ग्रैब करेंगे मार्केट को, और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पेसिफिक, तो आप देखिए डिलीवरी में एक अच्छी खासी 177 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम में हालांकि ठीक ठाक कोई ग्रोथ नहीं है, कोई कमी नहीं है, 188 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम पिछले दिनों भी ट्रेड हुआ था हमारा, 188, उससे पहले हमारा 117 का, तो एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम में कोई ज्यादा और कमी नहीं है। तो इससे एक फर्क ये लगाता है कि अगर वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, ये वॉल्यूम जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने उठाया, और कोई भी इसमें स्पेकुलेशन नहीं हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक को देखिए, जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखाई दिया, वहाँ पे वॉल्यूम डबल हो गया है उसका, और वहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला था। अब दिन में देखेंगे तो वहां पे लगभग 5% की गिरावट का माहौल था सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे भी, और अभी भी वो 2% के आसपास स्टॉक हमारा गिरावट में है। वहां पे स्पेकुलेशन हुई है, वहां पे किसी ब्रोकरेज हाउस ने माल डंप किया है, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। तो आने वाले समय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमें 80 रुपए 90 रुपए का एक टारगेट लाकर देगा, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी 63 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, आने वाले समय में जो लेवल बता रहा हूं मैं वो अचीव होगा आपका। हम चार्ट पर लेकर चलते हैं आपको, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ट है ये हमारा। तो यहाँ पर देखिए दो खबरें हैं, पहली तो जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है वो हमें सपोर्ट करेगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को,
स्टील बनाती रही है एंड गाड़ियों के लिए, और गाड़ियों में जो मेटल्स यूज होते हैं उनके लिए ये काम थोड़ा सा यहाँ से भी फर्क दिखाई देगा इसकी सेल्स की ग्रोथ में, क्योंकि वहाँ व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, तो व्हीकल्स को 15 साल फॉर कमर्शियल व्हीकल एंड 20 ईयर्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स के लिए कर दिया है निर्मला सीतारमन जी ने। उसके बाद वो टेस्टिंग फेज में जाएगा और टेस्टिंग में अगर पास होते हैं तभी वो रोड पर चल पाएंगे। पॉल्यूशन को कम करने के लिए किया गया है। तो इस एक खबर का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर भी फर्क दिखाई देगा, अनडायरेक्टली जो ऑटो सेक्टर है उस पर भी फर्क दिखाई देगा, और यही कारण है कि टाटा मोटर्स वगैरह ऊपर बंद हुए, और यही कारण है कि उसका भी असर हमें मेटल्स स्टॉक पर भी दिखाई दिया है। तो अब बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, एक तो इस खबर का बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देगा आने वाले समय में, और एक स्टीप रैली हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है यहाँ पर भी, ठीक है। तो एक अच्छी रैली के लिए आपको रेडी रहना होगा और एंजॉय करने के लिए होल्ड करके रखोगे तो अच्छी रैली आपको आती हुई, इस तरह की रैली आपको आती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में भी, ठीक है। अब यहाँ पर OFS जा चुका है, OFS का जो एक दबाव था वो जा चुका है, तो इस समय पर आपके पास क्या है, इस समय पर आपके पास बजट की खुशखबरी है। बजट पर जो पॉलिसीज आई उसका एक एक असर रहेगा हमारे बाजार पर आने वाले दिनों में भी, हफ्ते दो हफ्ते तक इसका असर रहेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हफ्ते दो हफ्ते बाजार बढ़ता ही चला जाएगा, बाजार में थोड़ा सा दबाव दिखाई दे सकता है, वो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि ये स्टॉक ऑलरेडी हमारा बेयरिश जोन में है, तो एक दो दिन हो सकता है कि आने वाले एक दो दिन बढ़े फिर एक दो दिन गिर सकता है ये स्टॉक, बट ओवरऑल जो पॉजिटिविटी रहेगी, जैसा मैंने सैटरडे की वीडियो में भी कहा था कि हमारा जो स्टॉक है वो पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल का, अगर हम देखेंगे कि वीक में कितना रिटर्न आया तो वीक का जो रिटर्न होगा वो पॉजिटिव ही दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो वहां से पॉजिटिविटी तो आएगी हमारी, धीरे धीरे करके जो ये अपसाइड फेसिंग हो रहा है उसकी वजह से ये आने वाले दिनों में दो चार दिनों में हो सकता है बुलिश जोन में आ जाए और तभी हमारा स्टॉक ऊपर भागता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो एक तो हमारी वो चीज है, और दूसरी अगर हम बात करें हमारे रेजिस्टेंस जोन की, तो 65 रुपए का हमारा पहला रेजिस्टेंस है और यही एक हार्ड रेजिस्टेंस मुझे लगता है दिखाई देता है। इसके बाद अगर स्टॉक निकल जाता है तो वो ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस ऊपर है हमारा वो लगभग 73 रुपए के आसपास का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। छोटे मोटे रेजिस्टेंस रखने से फायदा नहीं है, वो हिट हो जाता है देन हम खुश हो जाते हैं, बट जो बड़े रेजिस्टेंस है जैसे 73 रुपए का और 65 रुपए का जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये थोड़ी सी बड़ी रेजिस्टेंस है। आप देखिए जो सपोर्ट जोन था 56 रुपए का, इसके नीचे हमारा स्टॉक नहीं गया, 4 दिन लगातार उसने टच किया और ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का एक रेजिस्टेंस है मेरा, मुझे लगता है कि 65 रुपए का एक रेजिस्टेंस हार्ड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर अगर हमारा वॉल्यूम आया इसी तरह का 170 मिलियन का टाइप का वॉल्यूम आता है तो ये स्टॉक इसके ऊपर निकल जाएगा और क्रॉस करके 73 का एक जो टारगेट है हमारा वहां पर ये चेज करने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में, मैं बात कर रहा हूँ। और कल से आप देखेंगे कि इसमें एक ठीक ठाक रैली ठीक ठाक वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। आज हाइप डे था, हाइप डे का मतलब होता है कि बबल, आज बबल में स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, कोई ऐसी बहुत बड़ी कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं हुआ है मेटल सेक्टर में PSUs में, उसके बावजूद स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है। तो जैसे आप 50,000 का लेवल देख के एक मार्केट में सनक आ गए थे वैसा नहीं करना है हमें, हमें बहुत संभल के चलना है, ठीक है। तो अगर 63-65 रुपए का एक लेवल आता है उसके 73 का हमें चेज करना है और दबाव में नहीं आना है कि आज 10% बढ़ा है कल 2% गिर गया तो आप दबाव में आ जाए कि अब स्टॉक नहीं चलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई। आपने पैनिक नहीं करना है, होल्ड करके रखना है स्टॉक को आने वाले समय में। जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा था होल्ड करोगे तो अच्छा कमाओगे, और अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर सेल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को होल्ड करते हो तो अच्छा कमाओगे ही कमाओगे, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें RSI की तो हमारा देखिए RSI भी मूव हो गया है, हमारा अपसाइड हो गया है और यहाँ से मुझे लगता है कि ये प्राइस स्ट्रॉन्ग दिखाता है। तो अगर ये प्राइस मोमेंटम में है और स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमारा जो स्टॉक है वो बुलिश जोन में आता हुआ दिखाई देगा। बोलिंजर बैंड के सबसे निचले स्तर पर हमारा ऑलमोस्ट स्टॉक आ गया था, तो यहाँ से तो ये ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे तो आने का मतलब बनता नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ तक का लेवल एक यहाँ पर का लेवल जो है हमारा, ये लेवल जो है 83 रुपीज़ के आसपास का वो लेवल हमारा टच कर सकता है इस महीने में। मैं इस महीने की बात कर रहा हूँ फरवरी की, तो 83 का जो लेवल है हमारा वो टच कर सकता है फरवरी के महीने में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर इसी तरह की एक रैली आने वाले समय में भी बनी रहती है तो, ठीक है। और वो बनी रहेगी क्योंकि बजट एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई हैं, FII DII हमारे नेट सेलर्स से थे और नेट बायर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अच्छी खासी एक रैली आने वाले समय में भी मिल सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स से रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।